हरिद्वार में शिवालिक नगर के व्यापारियों ने नगर पालिका शिवालिक नगर पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए व्यापारियों ने कहा कि लॉकडाउन के समय में नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों का शोषण कर रहा है। नगर पालिका की ओर से किसी व्यापारी को कोई नोटिस तक नहीं दिया गया और शनिवार को लॉकडाउन का लाभ उठाकर व्यापारियों की दुकानें और बाहर लगे बोर्ड तोड़ दिए गए। डीएम साहब ने कहा था कि लॉकडाउन के पीरियड में शिवालिक नगर की सारी दुकानें क्योंकि बंद रहेंगी उन पर सैनिटाइज होगा, लेकिन नगर पालिका सैनिटाइज कराने से तो दूर। उन्होंने देखा कि इस समय व्यापारी अपने घर में बैठा हुआ है, इनके बोर्ड उतार लो, उनको किसी न किसी परेशानी परेशान करने में लगा रहता है, उनके ऊपर टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं हम लोगों पे। हरिद्वार, देहरादून, कहीं पर भी टैक्स का नोटिस नहीं है, लेकिन शिवालिक नगर में टैक्स का नोटिस है। जब वहाँ पर ये अपना सुबह 11 बजे देखते हैं कि नगर पालिका अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और JCP को लेकर शिवालिक नगर के सारे बोर्डों को तोड़ तोड़ के अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लादने लगी, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने मेरे ऊपर ट्रैक्टर चला के हमला करने की कोशिश करी। मैंने तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन किया, पुलिस को अपनी सहायता के लिए बुलाया, पुलिस वहाँ पर आई, उन्होंने देखा कि वो लोग तो बदतमीजी गुंडागर्दी पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट करा और उन लोगों की जाति जो देखते हैं उनको कहा भैया ये बोर्ड आप वापस करें और जहाँ जहाँ से बोर्ड उतारे उनको वापस करके अब यहाँ से आप जाएं। शनिवार को अतिक्रमण हटाने आई टीम का विरोध करने पर व्यापारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। व्यापारियों ने शिवालिक नगर पालिका को लूट खसोट का केंद्र बताते हुए कहा कि व्यापारियों द्वारा इसका विरोध करने पर व्यापारियों पर मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। नगर पालिका शिवालिक नगर में व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर, लाइसेंस शुल्क के नाम पर, कूड़ा निस्तारण के नाम पर और ग्रह कर के नाम पर व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है लगातार। कल हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी सहित अनेक लोग जब उस अतिक्रमण का विरोध करने लगे, पुलिस बुलानी पड़ी। हमारे अध्यक्ष जी ने पुलिस को बुलाया, व्यापारियों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने बीच बचाव करा, नहीं तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे थे, उनकी जान से खेला जा रहा था। वो नगर पालिका एक लूट खसोट का केंद्र बन गई है। पूरे प्रदेश में चाहे देहरादून हो चाहे हरिद्वार हो, कोई नगर निगम लाइसेंस शुल्क नहीं लेता है, लेकिन वहाँ हजारों रुपए लाइसेंस शुल्क मांगा जाता है। कूड़ा निस्तारण के नाम पर 1000 रुपये, 500 रुपये इस तरह से मांगे जा रहे हैं। और इस सब के बावजूद एक सम्मानित वर्ग, व्यापारी वर्ग होता है जिसने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ संभाली होती है, उस व्यापारी वर्ग पर हमला किया जाता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, मुकदमे कराए जाते हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं बचा है अब? उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और शहर विकास मंत्री से मिलकर विरोध जताया जाएगा, अन्यथा इसके विरोध में उग्र आंदोलन भी चलाया जाएगा। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।